गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि सबसे पहला चैप्टर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लास्ट वीडियो में कि आप बहुत जल्दी हम आप लोगों को एक चैप्टर शुरू करेंगे जिसको पहला चैप्टर आप लोगों का सिलेबस का होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लास्ट वीडियो मैंने कहा था पार्ट बाय पार्ट टाइप वाइज वीडियो देंगे, तो देखिए आज हम लेकर के आए आप लोगों को अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सेड इन द लास्ट क्लास के सबसे पहला चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की पढ़ाई होगी। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं, क्या है उसका बेसिक, एक्चुअली है क्या। देखिए समझना तो बहुत जरूरी है, आप कोई भी चैप्टर करते हो आपको ये तो जानना बहुत ही जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हो है क्या। तो सबसे पहले आज हम लोग ये जाने कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं। देखिए मैंने इसका डेफिनेशन लिखा ऑलरेडी आप लोगों के लिए कि ये टूल है। टूल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टूल विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग इन प्लानिंग ऑपरेशन एंड डिटेक्ट डेविएशन। तो इसको मैं डिटेल से आपको समझाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गाइस, बच्चों याद रखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका हमेशा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट थॉट थिंक जो भी बोलो ये रहता है कि कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाया जाए, कम से कम कॉस्ट में जो मेरा रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अभी का जो मार्केट सिनारियो है, लोग मार्केट जाते हैं ये सोच करके जाते हैं कि मेरा जो भी ख्वाहिश है, मेरा जो भी डिमांड है, जो प्रोडक्ट का हाई क्वालिटी डिमांड हमको सबसे लो प्राइस में मिल जाए। हर एक इंसान का एक टारगेट रहता है कि अगर हम लोग एक छोटी सी चीज़ भी अगर हम लोग खरीदने जाते हैं, एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं एक अच्छी मोबाइल मिल जाए कम प्राइस में, वो भी अच्छी कंपनी की, अच्छी कंपनी की मोबाइल कम प्राइस में, अच्छे ब्रांड, कैसे मुमकिन है। हर कंपनी ये सोचता है कि मेरा ये कस्टमर मार्केट में आए, देखे और मेरा ब्रांड देखे। अब कोई भी चीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हो, छोटी सी छोटी चीज़ का भी आप एग्जांपल बहुत इजीली ले सकते हो, जिसमें आप समझ सकते हो कि नॉर्मली हम लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, हम लोग का जहन में ये बात रहता है एक, जैसे मैंने अभी कहा मोबाइल खरीदने गए या कोई गाड़ी खरीदने गए, तो हर चीज़ जहन में ये रहता है कि मेरा फैसिलिटीज पूरा हो जाए। तो देखिए डेफिनेशन तो मैंने लिखा, जिसमें मैंने ये लिखा कि कॉस्ट को, ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जो हेल्प कर रहा है आप लोगों को कॉस्ट को कंट्रोल करने में, और संग संग एम्प्लॉइज लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, प्लानिंग ऑपरेशंस में मदद कर रहा है, और जो जो डेविएशंस, जो जो प्रॉब्लम्स आ रहा है ऑपरेशन कंट्रोल करने में, एक्यूरेट करने में, उसको डिटेक्ट कर रहा है। तो ये खुद क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये काम है कि ये एक मदद दे रहा है कंपनी को। तो कंपनी कब मदद पे जाती है, देखिए कंपनी किस चीज पे, दो ही मैनेजमेंट के ऊपर चलती है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मैनेजमेंट का नाम है, एक मैनेजमेंट फंक्शन का नाम है प्लानिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और दूसरा है कंट्रोलिंग, ये आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आपने पढ़ा है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लान करना, व्हाट टू मेक, व्हेन टू मेक, हाउ टू मेक एंड हु इज गोइंग टू मेक। तो कंपनी जब बड़े पोजीशन पे आ जाती है और हमेशा ऊपर की तरफ जाने लगती है, राइज होने लगती है, तो कंपनी सोचती है हमेशा, एवरी नाउ एंड देन कंपनी सोचती है कि हम क्या बनाएं, कब बनाएं, कैसे बनाएं और कौन बनाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग प्लानिंग में समझते हैं कि एक प्लानिंग को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे मैनेजमेंट का स्टडीज में, तो आपको इन चारों बातों का तालीम हो जाएगा, इल्म हो जाएगा कि कब बनाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाएगा, कौन कैसे बनाना और कौन बनाएगा। अब कंट्रोलिंग क्या होता है, जब आप प्लान कर लिए, अब वो प्लान पे आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपके एम्प्लॉइज उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग फंक्शन आकर के उसको चेकआउट करता है, डिटेक्ट करता है, देखता है कि जिस प्रोसेस पे चल रहा है, जो उसको प्लान करके दिया गया वो कर रहा है, और जो दिया गया वो तो उसे करना है, और वो एक्चुअली खुद क्या कर रहा है, इसी दोनों का डिफरेंसेस को कंट्रोलिंग मेजर करता है आखिर के। तो होगा ना ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, प्लान का एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक मैनेजमेंट का एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्लानिंग और दूसरा कंट्रोलिंग। अब आप बोलोगे कि सर हाउ इज इट कनेक्टेड विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा कंपनी एक ऑथराइज एक ऑथेंटिक एक काफी रेपुटेटेड कंपनी है, टाटा स्टील मोटर्स,
टाटा स्टील मोटर्स का अगर हम लोग बात करेंगे, ये टाटा स्टील मोटर्स कुछ साल पहले एक बहुत ही अच्छा कार जो कि बहुत लोगों ने खरीदा, नैनो कार बनाया बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही लो प्राइस पे बनाया, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ, लोग उसको इस्तेमाल किए। तो ये सबसे पहले, मैं तो ये कहूंगा कार की दुनिया में सबसे पहले ये टाटा वाले लोगों ने अपना नैनो कार बना करके लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लग्जरी, जो लोग सोचते हैं कि हम जाए गाड़ी खरीदे, पैसा नहीं होता उतना गाड़ी खरीदने का, तो कितने लोगों ने ये 1 लाख से 1.5 लाख के अंदर का बजट में ये गाड़ी बना था, 1 लाख और 1,25,000 समथिंग में ये गाड़ी इशू हुआ, जिसमें से लाखों लोगों ने लिया और उसे इस्तेमाल किया। इससे हुआ क्या, कम कॉस्ट में कार का फैसिलिटीज मिल जाना। तो हर एक कंपनी हमेशा यही सोचता है कि कम से कम कॉस्ट में उसे वो चीज मिल जाए जो वो रिक्वायर कर रहा है, और इसी कम से कम कॉस्ट में उसको तो कोई चीज की जरूरत पड़ती है बनाने के लिए, तो वो टेक्निक कौन से टेक्निक कंपनी यूज करता है, ये स्टैंडर्ड टेक्निक जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यही वो लाई करता है, ये टूल बनता है जो ये जो, तो ये इस तरह के मोटर कार कंपनीज, खास करके आप कंप्यूटर्स के दुनिया में चले जाएंगे तो डेल ये लोग वगैरह एवरी नाउ एंड देन अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मारुति सुजुकी ये सब चीज, ये सब जो कंपनीज है इसको ऑलवेज दे आर इन द कॉम्पिटिशन, दे आर ऑलवेज इन द टारगेट। खास करके ये टेक्निक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टेक्निक कौन सी कंपनी यूज करती है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और सर्विस कंपनी यूज करती है। ये टेक्निक को कौन कंपनी ज्यादातर यूज करती है गाइस, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग कंपनीज, क्योंकि ये लोग, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग कंपनीज जानती है इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए इंडिया का अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हाई टेक्निक पे गोअप नहीं करते, जो भी कंपनी हाई टेक्निक पे गोअप करेंगे तो अपना प्लानिंग देखेंगे, कंट्रोलिंग देखेंगे, और जब उनका प्लानिंग का कंट्रोलिंग प्रॉपर चलने लगेगा तो वो अपना टेक्निक्स को देखेंगे कि हमने जो उसको प्लान करके दिया वो क्या कर रहा है, वो उसको कैसे कर रहा है, फिर उसको कंट्रोल करने लगेंगे, उसी के डिफरेंस में ये टूल को इस्तेमाल किया जाएगा और कम से कम पैसों में, कम से कम कॉस्ट में एक अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट तैयार हो जाए। तो ओवरऑल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा टूल्स मिल जाता है मैनेजमेंट को, कंपनी को, कि अब वो कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बना पाए, और ये करने से जितने भी लोग, जितने भी इंप्लॉइज उसमें काम करते हैं उन लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्लानिंग ऑपरेशन काफी आसान हो जाती है, और एज यूजुअल व्हाट आई सेड कि किस तरीके से कंट्रोलिंग मैनेजमेंट इन दोनों के बीच में आकर के क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, तो परफॉर्मेंस भी एनालाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। परफॉर्मेंस को वॉच करने के लिए कंपनी का ये कंट्रोलिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाता है, कंट्रोलिंग सिस्टम लाया जाता है ताकि लोग उसको पढ़ पाए। तो हमने नैनो कार का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि नैनो कार एक ऐसा चीज है जिससे हम लोगों का बहुत कम कॉस्ट में हम वो फैसिलिटीज को पा पाए। तो इस चैप्टर में यूजली आप खास करके देखोगे जितना भी प्रैक्टिकल सर्च में एक चीज आपको नजर आएगी, आपको दिया जाएगा कुछ, आपको एक ऑर्डर दिया जाएगा, आपको बनाने का आपका एक ऑर्डर दिया जाएगा और आप अपना एक बनाने का सिस्टम बताओगे, आप उस सिस्टम के मुताबिक जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे उस सिस्टम के मुताबिक फिर आप काम करोगे। समटाइम्स आपका काम ऊपर चले जाएगा, समटाइम्स काम आपका नीचे चले जाएगा। जो अगर ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाने का मतलब कि आपको जितना कॉस्ट और जितना रेट आप लोगे हमसे, जितना रेट में कोई काम करोगे उतना रेट में हम एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन आप उससे ज्यादा रॉ मटेरियल मेरा इस्तेमाल कर लोगे तो कंपनी या वो खास करके वो प्रोडक्ट एडवर्स इफेक्ट में चला जाएगा। तो ये सब चीजें तो हम सम्स में आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि आप लोग बच्चों जान जाओ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं किसे। ये छोटा एक टूल्स है जिसमें कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है और एट द सेम टाइम्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करने में बहुत इजी मिलता है, मदद मिलता है, व्हाट टू प्रिपेयर, हाउ टू प्रिपेयर, व्हेन टू प्रिपेयर एंड हु इज गोइंग टू प्रिपेयर, एंड एट द सेम टाइम्स ये प्रिपेयर होने के बाद जो कंट्रोल करने के लिए जो लोग उस पर जाते हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका डेविएशन को समझ सकते हैं। तो यही चीज का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिंपल एग्जाम्पल है कि टाटा नैनो कार जो हम लोगों को बहुत जल्दी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड किया कम कॉस्ट में, ये टेक्निक यूज करके टाटा नैनो कार कम कॉस्ट में हम लोग को 1 लाख से 1.5 लाख में हम लोगों को कार का जो ख्वाहिश था वो पूरा किया, लोग खरीदे उसको इस्तेमाल किए। ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है जो मार्केट में आता है, हम लोग ऑलवेज टारगेट में रहते हैं कि कम कॉस्ट लगे, अच्छी ब्रांड की चीज मिल जाए।
तो ये काम अच्छा हो जाएगा। तो खैर ब्रांड तो नहीं, हम लोग तो आज चैप्टर्स में, चैप्टर्स ये मदद करता है इन सब ब्रांडों, इन सब कंपनियों को बनाने में। किन सब कंपनियों को? मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, सर्विस कंपनियों को। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस कंपनी खास करके आप कह सकते हो मारुति मैंने कहा, सुजुकी मैंने कहा, डेल कंपनी कहा, ये सब कंपनी खास करके ये स्टैंडर्ड टेक्निक यूज करती है अपना प्रोडक्ट को बनाने के लिए। चलिए अब हम आप लोगों को बताते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस तरीके से पूरा क्लासिफाई है। देखिए इसमें ना आप लोगों को तीन वेरियंस निकालना पड़ेगा। एक है मटेरियल कॉस्ट, एक होगा आपका लेबर कॉस्ट और एक होगा आपका ओवरहेड कॉस्ट। आपका सिलेबस में यही तीन वेरियंस के ऊपर वर्कआउट करना है। एक है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस। अब मटेरियल कॉस्ट में आपको दो चीजें करनी पड़ेगी, एक होगा मटेरियल प्राइस वेरियंस, प्राइस के बारे में, और दूसरा होगा आपका यूसेज के बारे में। और यूसेज का दो सब काइंड निकलेगा, एक मटेरियल मिक्स वेरियंस और एक मटेरियल यील्ड वेरियंस। ये दोनों इज इक्वल टू दिस। अगर मटेरियल मिक्स, अगर आपका वेरियंस अगर मान लीजिए 10 केजी है तो यूसेज भी आपका 10 केजी होगा, मतलब ये दोनों इक्वल टू दिस हो जाता है। तो ये आप ये पॉइंट को याद रखोगे, आपको सम्स बनाने समय काम आएगा। उसी तरीके से लेबर कॉस्ट वेरियंस का भी दो पार्ट होता है, एक लेबर एफिशिएंसी वेरियंस और लेबर प्राइस वेरियंस। एक एफिशिएंसी वेरियंस पे हम लोग सम्स करेंगे और एक लेबर प्राइस वेरियंस पे हम लोग करेंगे। ओवरहेड में भी आपको एक्सपेंडिचर ओवरहेड वेरियंस, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, आप यही दो मान के चलो, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। इसका जब सब काइंड जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम सवाल दी जाती है, जो है आप लोग का सिलेबस में फिलहाल आपको ये जानना है कि मटेरियल कॉस्ट वेरियंस में मटेरियल प्राइस वेरियंस और यूसेज वेरियंस के ऊपर हम लोग सम्स बनाएंगे, और एट द सेम टाइम यूसेज वेरियंस का दो सब काइंड होता है, जो कि मिक्स वेरियंस और रेट वेरियंस का हम लोग सम्स बनाएंगे। तो आप लोगों को ये जानना है कि देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और भी हम आपको बता दें, एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं जिसमें आप लोगों को सम्स भी अभी आपको थोड़ा बहुत इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि आपने किसी के पास गए, कोई चीज का ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर दिया और एक्सपेक्ट किया कि आप फर्स्ट कर लो, आप 10 केजी का कोई भी मटेरियल किसी को जाके प्रोवाइड करते हो और एक्सपेक्ट करते हो वो 10 रुपए का रेट से एट द रेट ऑफ ₹10 पर आवर अगर लेबर में जाए, कॉस्ट में जाए, तो वो ₹100 में बना दे। ये आपने दिया, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, उसका तरीका है करने का, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन उसने उसी 10 केजी मटेरियल्स पे अपना जो भी रेट रख करके, और आप जो 10 केजी जो मटेरियल्स दोगे गाइस, वो आप बोलोगे कि 10 केजी दे रहे हैं, आप हमको 500 यूनिट बना करके दो, तो आपका 10 केजी 10 रुपए का रेट से आपने उसको 500 केजी, और एक यूनिट पे वो 10 केजी मांगता है। अगर आपको समझ लो, अगर वो आपसे कहता है कि एक यूनिट मैं आपसे लूंगा और एक यूनिट पे 10 केजी लूंगा, तो 500 यूनिट पे आप सिंपली 500 × 10 500 केजी आप उसको मटेरियल दे दोगे, 500 केजी आप मटेरियल दे करके आप उसको 5 × 10 कीजिए, वो 5000 का एक्सपेक्टेशन, वो चीज आप एक्सपेक्ट करोगे, हम 5000 रुपए आपको दे रहे हैं, आप मेरा ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आप हमको बना करके दो। वो वही चीज, वही 500 यूनिट, ठीक है, वो 10 केजी नहीं लगा करके, एक यूनिट का तो वो 10 केजी लिया, वही 500 यूनिट आपको बना के दे रहा है, और वो समझ लो यहां पर आपको वो 15 केजी ले ले रहा है या 12 केजी ले ले रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, रेट वो जो भी ले रहा है, अगर वो 12 केजी करके भी ले रहा है तो आपका 500 × 12 600 इधर ही हो गया, और वो अगर 10 रुपया करके भी चार्ज कर रहा है तो आपका, तो अगर वो 10 रुपया नहीं 11 रुपया करके भी चार्ज करता है तो आपका 6600 ऐसे ही हो जाता है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से कंपनी एडवर्स इफेक्ट में चले जाएगी। तो इसका डिटेल हम आपको डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, लेकिन आज सिर्फ आप लोग ये जान लो कि ये क्या होता है, ये है क्या, ये था कि इट्स अ सिंपल थिंग कि कंट्रोल किस तरीके से कॉस्ट को किया जाए, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बना दिया जाए, कम से कम कॉस्ट में। अगर अभी हम मार्कर यूज कर रहे हैं, ये मार्कर आप देख सकते हो कैमलिन का ब्रांड है, ये 25 में मिल रहा है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सपोज कर लो आप लोग अगर ये 10 रुपीज में बनाता है, ये मैन्युफैक्चर करने में इसका 10 रुपीज लगता है, मार्केट में इसको 25 में वो बेच रहा है, ठीक है, तो हम ले रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि इट्स ओके। अगर अचानक से अगर ये मार्कर हमको फिर से ये 25 का जगह 20 में मिलने लगे, और यही कैमलिन का ब्रांड, तो आपको ये समझ जाने होगा कि यहाँ पर अच्छी टेक्निक को कंपनी ने यूज की, कैमलिन कंपनी ने, और जो 25 का मार्कर, जो एक मार्कर 25 में मिला करता था, अब हमको वो 20 में मिल रहा है। दिस मेक्स द होल डिफरेंस, एंड दिस इज द थिंग विच एवरी कंपनी ऑलवेज यूज टू थिंक दैट कि इन अ वेरी लो कॉस्ट हाई प्रोडक्ट, हाई डिमांड, इन अ वेरी लो कॉस्ट द कंपनी कैन मेक अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और
जिससे हम लोग कोई भी मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कम से कम प्राइस में हमको अच्छा से अच्छा ब्रांड का चीज मिल जाए, तो ये हम लोग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वजह होता है जाने का, खरीदने का। तो हम लोग आज चैप्टर में ये जाना कि स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक किसे कहते हैं। ये वो टेक्निक है जो कंपनी को मदद करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को बनाने में। और इससे फायदा किन लोगों को होता है, खास करके कंपनीज के एम्प्लॉइज मोटिवेट हो जाते हैं, प्लानिंग ऑपरेशन टू गुड हो जाता है, और कंट्रोल करने में और डिटेक्ट करने में कोई भी किस्म का, जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, काफी मदद मिलता है। और इसमें से जो डिफरेंसेस जो आती है जो डिटेक्ट करने, उसी का वेरियांस कहते हैं, जिसमें आप लोग सीखोगे वेरियांस एनालिसिस। एनीवे गाइस, तो बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, और वेरी सून हम कम बैक करेंगे अपना पहला सम्स के साथ, जिसमें आपको जो मैंने बताया कंडीशनली आपको वही चीज मिलेगा और किस तरीके से सम्स में दिखेगा आप लोग बहुत जल्दी देखोगे। टिल देन यू ऑल विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट एवरीवन।